अभी हमारे यहाँ तिथि आने वाली है, उसका मतलब क्या होता है? अक्षय, जिसका कभी क्षय ना हो। जब हम भगवान शंकर को चावल का गाना चढ़ाते हैं, देश से बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, बहुत समझने वाली बात है, बहुत ध्यान। चावल का गाना हमारे मस्तक पर तिलक करने के बाद पंडित जी क्यों लगाते हैं कि भगवान जैसा समय आज चल रहा है, आप पूजन कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, दान कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, सत्कर्म कर रहे हो, भजन कर रहे हो, मेरा देव अधिक महादेव, मेरा नारायण, मेरा सत्यनारायण भगवान, मेरा राम जी, मेरा विष्णु जी, मेरा भगवान भैया, मेरे रामायण भैया, ब्राह्मण मस्तक पर तिलक लगाने के बाद चावल इसलिए लगाता है कि जैसा समय आज चल रहा है भगवान तुमको ऐसा ही समय बनाकर रखे और तुम ऐसे चांदन लगाते रहो, दान करते रहो, इसलिए मस्तक पर चावल का गाना लगाया। तो यहाँ शिव महापुराण की कथा करें, चावल का नाम शिव जी को क्यों चढ़ाते हैं, भगवान को क्यों समर्पित करते हैं, भगवान के पूजन में अक्षत क्यों समर्पित करते हैं, चावल क्यों समर्पित करते हैं, उसका कारण क्या है? तो कहा, आज मैंने जब चावल का दाना आपको समर्पित करा है, जिस भाव से, जिस विश्वास से, जिस श्रद्धा से, जिस मन से मैं आपको रिझा रही हूँ, हे भोलेनाथ, मेरी ये मनोकामना पूर्ण कर देना, इसको अक्षय कर देना, इसको अमर कर देना, बस इतनी कृपा आप लोगों से भी है। अमावस्या आ रही है, पूर्णिमा आ रही है, नवमी आ रही है, बैसाख की तीज आ रही है, अक्षय तृतीया, सत्तू का प्रयोग अवश्य करना, करोगे ना, उसका दान अवश्य करना, कोई आए उसको थोड़ा सा सत्तू अवश्य खिलाना। तीन चीजें होती हैं सत्तू में, गेहूं, चने की दाल, जौ, इनको गलाया जाता है, रात भर गलाने के बाद इसको फिर सेका जाता है, सेक कर पिसाया जाता है, फिर उसका प्रयोग किया जाता है महाराज, चाहे फिर उसको घोल कर आप शक्कर के साथ, गुड़ के साथ, नमक के साथ, जीरे के साथ, पुदीना के साथ, जिसके साथ तुम्हें खाना है वो तुम्हारे ऊपर, पर दान करना सत्तू का जरूर है। एक चुटकी मात्र भी अगर सत्तू आपने दान किया है बैसाख महीने में, उसका फल जरूर मिलेगा, जरूर। हमने भी विचार करा है, जितने लोग ऑनलाइन दान कर रहे हैं, दान सहयोग राशि अकाउंट में डाल रहे हैं या सहयोग दे रहे हैं, तो अमावस्या, नवमी और पूर्णिमा को भी कुबेरेश्वर धाम में जितने भी भगत आते हैं उनको सत्तू का ही प्रसाद वितरण किया जाएगा, जो लोग दान दे रहे हैं उनके सहयोग से ही ये क्रम किया जाएगा। शंकर का भजन मारा स्कंद पुराण में उठाकर पढ़ना कि आखिर मिट्टी के पात्र का जल बैसाख के महीने में शंकर को क्यों चढ़ाया जाए? अगर मिट्टी का पात्र भी नहीं हो तुम्हारे घर में, मटका हो, सुरई हो, वो भी नहीं हो, तो एक दिए में मिट्टी के पानी भर लो और वो पानी तांबे के कलश के अंदर जो पानी है उसमें मिला लो, पर मिट्टी का जल शिवजी को क्यों चढ़ाया जाता है? स्कंद पुराण के अंदर बैसाख महत्व में लिखा कि जो अधोगति में मर गया होता है, अचानक मर गया होता है, एक्सीडेंट में मर गया होता है, उसकी जीने की और तमन्ना थी, अचानक कोई बीमारी लग गई और मर गया, कोई बड़ी बीमारी लगने के कारण चला गया, उसको बहुत कुछ करना था पर मर गया, उसके लिए बैसाख महीने में शंकर भगवान को जब हम मिट्टी के पात्र का जल समर्पित करते हैं तो वो जीव तड़पता नहीं है, कहीं भटकता नहीं है, उसको गया में पितरों में मिलाया कि नहीं मिलाया, बद्र विशाल में ब्रह्म कपाली करी कि नहीं करी, कभी पिंडदान, कभी तर्पण तिलांजलि हुई कि नहीं हुई, पर मिट्टी के पात्र का जल बैसाख महीने में जाता है तो वो जीव कहीं पर भी हो उसकी मुक्ति हो जाती है, उसका मोक्ष हो जाता है। मिट्टी का कोई पात्र नहीं, कोई तारवा नहीं, तो आप दिए के अंदर भी जल भरकर उसको तांबे के लोटे में मिलाकर शिव जी को चढ़ा सकते हैं बैसाख महीने में।